मैंने वादा किया है जरूर दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे, कुछ भी, जेवर, कपड़ा, कुछ भी बोल। ना बापू सा, ये सब तो है मेरे पास, मुझे ना। बोल ना आनंदी। क्या हुआ आनंदी बेटा, बोल ना। बापू सा, मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ। पूसा, बताओ ना, मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना? चाहता तो मैं भी यही हूँ बेटा, कि तू अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करे। और तुझे तो सब पता है बेटा, मासा तेरी पढ़ाई के कितना खिलाफ है, ये तुझसे छुपा हुआ नहीं है। फिर भी थोड़ा समय दे मुझे। लेकिन बेटा, इस वक्त मैं तुझे कोई वचन नहीं दे सकता। बापू सा, मुझे पता है दादी सा मुझसे गुस्सा है, क्योंकि मैंने उनसे लुका छुपी करके परीक्षा दी ना। लेकिन मुझे ये भी पक्का पता है, दादी सा ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहेंगी। और आप जाकर दादी सा से बात करोगे ना, तो देखना वो मान जाएंगी। मेरा बहुत मन है बापू सा, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, इतना कर दो ना हमारे लिए। आनंदी, मेरा पानदान तो ला। बसंत, ये धाड़ी वाली जमीन का क्या हुआ? मासा कल कचहरी जा रहा हूं मैं, वो जमीन का पट्टा सुगना के नाम लिखवा दूंगा। मैं भी कल शहर जा रहा हूं, वो सुगना के गौने के लिए कुछ सामान खरीदना है। भैरों, अगर तू शहर जा ही रहा है तो कुछ बढ़िया वाले शामियाने पक्के कर आई हो ये सुगना के गौने के लिए। यहां तो वही घिसे पिटे रह गए। माथा ढको तो टांगे दिखें, टांगे ढको तो माथा उघड़ जाए। जी भाई साहब। मासा, वो कल सरपंच जी मिले थे रास्ते में, बधाई दे रहे थे कि बेटा और बहू दोनों ही क्लास में सबसे आगे हैं। हाँ, बधाई तो देवेंगे ही, गांव में हमारे घर ने नई मिसाल खड़ी की है। बेटा और बींदनी दोनों मिलके नाम उजड़ा करें खानदान का। मासा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैं। हाँ बोल। वो आनंदी की इच्छा थी कि वो आगे पढ़ाई करे। मैं जानता हूं मासा, हमारे यहां ये रिवाज नहीं है, लेकिन अच्छी है वो, उसकी इच्छा मुझसे मारी नहीं जा रही है। बस स्कूल नहीं जाएगी, घर पे बैठ के ही पढ़ाई करेगी, सिर्फ परीक्षा देने जाएगी स्कूल। मासा, रिवाज के डर से
बच्ची की इच्छा और अधिकार को छीन लेना ठीक तो ना होगा ना। हाँ दादी साहब, पढ़ने दो ना आनंदी को आगे। जे तू कह रहा है हमारा लाडे सर, तो ठीक है, मान ली थारी बात, आनंदी पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। अरे उठ चोरी। अरे अब्बड़ आई है तू कक्षा में और मैंने थोड़े सगुड़ तक ना दिया है? भगवान ऐसा बुढ़ापा किसी पे ना आने देवे। दे ले, जे ले, जे 500 रुपए। चले 500 रुपए और खूब तरक्की कर। दादी सा इतने सारे पैसे? अरे काम भी तो तू कितना बड़ा करके आई है, है? घर के सम्मान के आगे इनाम का मूल ना देखा जावे। हाँ सुमित्रा, कल हमारी छोटी बींदनी को बजार ले जा, बढ़िया से बढ़िया कपड़े लत्ते खरीद के दे देना, है? इसका मन लहके ना किसी चीज के पीछे तो हाथ ना खींचना। हाँ दादी सा, मैं अपनी गुड़िया के लिए कपड़े और गोटे लाऊं? थारी बड़ी होवे, ये गुड़िया बीच में कहाँ से आ गई? थारी उम्र है गुड़िया के साथ खेलने की? हा? दादी सा, बस एक ही बच्ची है, उसका भी ब्याह कर दूंगी, पक्का भी हो गया है। अच्छा ठीक है, ले लीजो गुड़िया के लिए भी, जा। दादी सा, अरे मैं तो भूल ही गई। जे ले, हमारी तरफ से जे 500 रुपए सगुण के रख ले। खूब मेहनत कर, बाप दादा का नाम उजड़ो कर। हाँ क्या दादी सा, उस चुहिया को 500-500 के दो नोट दिए और मुझे सिर्फ एक ही दिए? भाया, जिसकी जैसी पूछ वैसा ही उसका दाम। तू कम नंबर लाया है ना तो थारे को कम ही तो मिलेगा, बराबरी कैसे हो?